जनपद चुनाव को लेकर सुबह से ही जनपद पंचायत के सामने प्रत्याशियों के समर्थकों में जनपद अध्यक्ष बनने की होड़ चलती रही। दोपहर तक 25 जनपद सदस्यों में से जनपद सदस्य सावित्री रेवाराम सारण को निर्विरोध जनपद अध्यक्ष चुना गया। वहीं कांग्रेस के रमजान खान को 25 में से 17 मत प्राप्त होकर जनपद उपाध्यक्ष के लिए चुना गया। उपाध्यक्ष पद के लिए रमजान खान के सामने खड़े हुए भाजपा प्रत्याशी श्री परमार को कुल 8 मत मिले। प्रत्याशियों के भारी समर्थकों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया गया। भाजपा के नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष सावित्री बाई के पति रेवाराम सारण से चर्चा करने पर उन्होंने बताया, शासन स्तर से जो योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है और शासन से मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ दिलवाना ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। विजयी होने के बाद नगर में बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर बहुत बहुत बधाई आपको जनपद अध्यक्ष के निर्विरोध बनने के लिए। आपकी पहली प्राथमिकता किस कार्य को लेकर रहेगी जनपद अध्यक्ष बनने के बाद? जनपद अध्यक्ष बनने से पहले सबसे प्राथमिकता तो रहेगी गरीबों की योजना जी, जैसे भत्ता पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है जी, और रोड निर्माण जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में जो कार्य चलते हैं उसकी समीक्षा चलेगी। टाइम टाइम पर जो भी काम रुके हुए सारे काम करवाए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।